कौन हो बेटी तुम और रो क्यों रही हो? और ये कब्र किसकी है? मेरा नाम हीराबाई है, मेरा बच्चा मर गया है, ये उसी की कब्र है। तो कितनी ममता की मारी है, और एक वो कमीनी मुन्नी बाई जिसने दौलत के लिए मेरी गोद सोनी कर दी। लगता है मुन्नी बाई अब नहीं आएगी, उसने हमारे बच्चे को मार दिया होगा। चलो हम चलते हैं। मुन्नी बाई, एक बात याद रखना, तूने मेरे बच्चे को मार के बहुत बड़ा पाप किया है। जिंदगी में कभी तुझे हंसना नसीब नहीं होगा, तेरी हर खुशी मेरे आंसुओं में डूब जाएगी। हे भगवान, ये मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया, इस पाप का प्रायश्चित मैं कैसे करूंगी? हीरा भाई, मेरे बच्चे को बचा लो, डाकू काला सिंह मेरे बच्चे को उठा ले गया है। मैं इस बच्चे को बचा के अपने गुनाह का प्रायश्चित जरूर काला सिंह, तूने एक माँ की गोद से उसके बच्चे को छीन के अच्छा नहीं किया काला सिंह। ये नन्हासा बचकुंडा हमार 50,000 का लॉटरी बा। बहुत ऐश करेगा ये पैसा से काला सिंह। काला सिंह, बच्चे को मेरे हवाले कर दे। बड़ी कटीली नचनिया लग रही हो हीरा बाई, ये बच्चा बच्चा छोड़ और लग जा हमारे चौड़े सीने से। अगर हीरा बाई को सीने से ही लगना होता ना, तो किसी मर्द के सीने से लगती, तेरे जैसे हिजड़ों के मुंह पर तो मैं थूकती तक नहीं। ओ हिजड़ा बोली हमको। कौनो बात नहीं, हिजड़ा बोल, जो दिल में आए बोल, काला सिंह को कभी गुस्सा नहीं आता। हाँ, क्योंकि तू कुत्ता, कमीना, जलील, हरामी और स्वर्ग का बच्चा है रे। बस दो चार तू गाली आता है तेरे को और नहीं आता है ना, जरा हमको कस के गाली दे, हमको बहुत मजा आता। तू अगर अपने बाप की बेटी है ना, तो जरा काला सिंह को गुस्सा दिला के दिखा। मुझे पता है काला कि तुझे गुस्सा नहीं आता, क्योंकि तू पक्का नामर्द है। अच्छा, तभी तो एक बच्चे के खातिर तूने 10 बार शादी की और एक बार भी बच्चे का बाप नहीं बन सका। काला सुनो है, तू जब भीड़ो में रहता है तब तेरी पत्नी रात पड़ोसी के घर काटती है। हीरा भाई, देखा मेरे एक छोटे से झूठ ने तुझे कितना बड़ा गुस्सा दिला दिया रे। जो हमको गुस्सा दिला देता है, हम उसका सीना फाड़ देता हूँ। और मैं सीना फाड़ने वाले का कफन फाड़ती हूँ काला सिंह। बहुत हिनहिना रही है बेलगाम घोड़ी, तेरी जिंदगी रह गई है थोड़ी, मार दो इसे। काला सिंह, अगर जीवन का उजाला चाहता है तो बच्चे को मेरे हवाले कर दे, वरना मौत के कोयले से तेरे मुंह और भी काला कर दूंगी। बच्चा मेरे हवाले कर। ठीक है, हमें मत मार, तू बचकुंडा ले जा, ले जा, ले जा। चारों तरफ से घेर रखा है, तुम्हारा यहाँ से बच के निकलना बहुत ही मुश्किल है, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। पहले इस बच्चे को उसकी माँ के हवाले करना ही पड़ेगा। रुक जाओ हीरा भाई। अरे कहाँ चली गई? तुम लोग यहां देखो, मैं उस तरफ देखता हूं। चुप हो जा मेरे बच्चे, चुप हो जा मेरे बच्चे, वरना तेरी आवाज से पुलिस आ जाएगी। चुप हो जा मेरे बच्चे। हे भगवान, इसे कैसे चुप कराऊं? ममता का धोखा देना ही पड़ेगा। हे भगवान, मुझे माफ कर देना, मैं इस मासूम बच्चे को ममता का धोखा दे रही हूँ।
क्या नजारा है। ऐसा नजारा तुझे अपनी अम्मा के गोद में देखने को नहीं मिला था क्या? मिला था, लेकिन कुंवारी माँ को पहली बार बच्चे को दूध पिलाते देख रहा हूँ। अरे पहले माँ बन जा, फिर बच्चे को दूध पिलाना। मैं माँ नहीं हुई तो क्या हुआ रे? ममता मेरे सीने में कूट कूट के भरी हुई है। अच्छा, दरोगा ममता से मत टकरा, वरना तेरे अम्मा को तेरे भयानक मौत पर खून के आंसू रोना पड़ेगा। अरे इस बच्चे को मारकर मैं तुझे खून के आंसू रुलाऊंगा हीरा भाई। दूध पिलाने का बहुत शौक है ना तुझे, चल मैं तुझे माँ बनाता हूँ। रुक जाओ असलम खान, लड़की की तरफ बढ़े तो गोली मार दूंगा। ये हीरा भाई है, डाकू हीरा भाई। अरे इससे बड़ा डाकू तो तू है जो एक लड़की की इज्जत पे डाका डालने चला है। हा? अरे हीरा भाई कहाँ गई? ये लो बहन तुम्हारा बच्चा। हीरा भाई तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरे बच्चे को बचाया है, भगवान करे तुम सदा खुश रहो। लोवा लोवा तेरी आंखों का जादू मिस्टर लोवा लोवा। किसने मेरा पहले? मेरा मेरा है पहले। चुप, डॉक्टर मैं हूँ, तुम नहीं। आप सबसे पहले आ जाओ। अभी चेक करता हूँ। बताइए आपको क्या बीमारी है? मुझे आजकल फिल्मी हीरो के सपने आते हैं। अच्छा, कभी शाहरुख खान आता है, अरे बाप रे, कभी सलमान खान आता है और गुदगुदी करने लगता है। अरे आमिर खान पता है क्या कहता है? चलती है क्या खंडाला? क्यों, जॉनी लीवर नहीं आता क्या? अरे हट परे, वो मुआ तो मुझे राखी बनवाता है, वो कैसे आएगा? तुम्हें तो बड़ी खतरनाक बीमारी है, तुम्हें तो पहले चेक करना पड़ेगा। ये बीमारी ऐसी खतरनाक है, इसके लिए कपड़े उतारना पड़ेगा। उतारो। तो क्या कपड़े उतारने से मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी? अरे क्यों नहीं, तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं बल्कि 3-4 किलोमीटर दूर जाएंगी। तो चलिए ना, खोलिए ना। और तुम्हारी बीमारी मेरे समझ में आ गई है। आइए आइए आइए। तुम्हें फिल्म स्टार की बीमारियां थी ना? जी थी ना। ये साक्षात फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन है, इन्हें बीमारी है। बच्चन, हाय दैया, एक डायलॉग तो बोलकर सुनाइए ना। क्यों नहीं, जिगर का दर्द कहीं ऊपर से मालूम होता है। जिगर का दर्द कहीं ऊपर से मालूम होता है कि जिगर का दर्द अंदर से नहीं मालूम होता है। आधा वर्जन। अरे क्या, तू तो डुप्लीकेट अमिताभ बच्चन है और तू भी कोई असली डॉक्टर नहीं है, और मेरी बीमारी तू क्या ठीक करेगा? मैं सब समझ गई, चल हट। चली, मैं डॉक्टर हूँ यार। बिल्कुल मैं डॉक्टर ही हूँ। एक कव्वाल से तू डॉक्टर कैसे बन गया है? अबे बना बना काम बिगाड़ दिया मेरा। देखा नहीं तूने मैं डॉक्टर बनके कैसा ऐश कर रहा हूँ, अंदर की बीमारियाँ देख रहा हूँ। अबे ये जो तेरी अंदर की बीमारियाँ है ना, इनको तू बाद में दूर करते रहना, पहले मेरी बात सुन। यहाँ पर कोई मुन्नी नाम की डाकू है जिस पर 5 लाख रुपए का इनाम है। मुन्नी भाई एक बार मिली दे बाबा। क्या लात मारी धीरे जबरदस्त। अबे लात बात को छोड़, पहले मेरी बात सुन। क्यों ना हम दोनों मुन्नी भाई को पकड़ लें और 5 लाख रुपए का इनाम है वो हम दोनों ले लें, कुछ सोच। कुछ सोचना पड़ेगा। मैंने सोचा भी नहीं था कि माँ का डाकू इतना कमी ना निकलेगा। मेरे एक ही इशारे पर उसने लाखों का माल लूटा, माल बिछवा लिया और मेरा हिस्सा भी नहीं दिया। पुलिस ने ठोस कर उसे जेल में डाल दिया। ठाकुर साहब, उसे किसी भी तरह से जेल से निकालिए, तभी तो आपको पैसा मिलेगा। हाँ, अब मैं महाकाल को जेल से भगाऊंगा, और जब पुलिस कमिश्नर को पता चलेगा तो। कमिश्नर साहब गजब हो गया, डाकू महाकाल जेल से भाग गया। क्या, डाकू महाकाल भाग गया? डाकू महाकाल की जय! डाकू महाकाल की जय! बंद करो ये जय जयकार, बंद करो। मैं 5 साल तक जेल में सड़ता रहा,
और उसकी वजह है शेर सिंह। खोल रहा है मेरा खून, खोल रहा है। सोचते क्या हो ठाकुर, उठा लो शेर सिंह की बहन को। शेर सिंह की बहन? अरे मेरी कमला, तू तो दिन में चांद की तरह चमक रही है रे। महाकाल, अगर तूने मुझे छूने की कोशिश की तो मेरा भाई शेर सिंह अपने फौलादी घूसों से तेरा चकना चूर कर देगा। अरे तेरे भाई को तो ऐसे रगड़ूंगा जैसे तमाकू में चूना रगड़ा जाता है और फनकी मारने के बाद उसे उड़ा दिया जाता है। अरे आना मेरी छे छटा की दुल्हनिया, अरे आ, अरे मेरे मन भर के सीने से लिपट जा, अरे आना। लड़की को हाथ लगाया तो भून के रख दूंगा। रुक जाओ महाकाल। अबे ओ पुराने पापी, किसने ये तेरी गर्दन नापी? तू तो ऐसे भाग रहा है जैसे बंदूक की गोली तेरा पीछा कर रही हो। मुझे बचा लो टकला, मुझे बचा लो ठाकुर, नहीं तो वो शेर सिंह मुझे मार डालेगा, मुझे बचा लो। बहुत अच्छा हुआ साला, सबकी चमड़ी नोचता है और मुझे एक थमड़ी तक नहीं देता। देखो मैंने लूटी हुई सारी दौलत तुम दोनों में बांट दूंगा, लेकिन मुझे उस शेर सिंह से बचाना। मैं विनती करता हूँ। तूने विनती की है बात तो बनानी पड़ेगी ना। तू ऐसा कर, तू शहर भाग जा और शेर सिंह को ये टकला रोकेगा। अच्छा तो तुम शेर सिंह से निपटो, मैं शहर भाग जाता हूँ। आ शेर सिंह, आ टकले, महाकाल कहाँ है? महाकाल तो तेरी हवा निकाल के चला गया। अब तू भी जा किसी वीराने में जाकर महाकाल का नाम ले लेकर अपना सर पटक पटक पटक। आंखें फाड़ फाड़ क्यों देख रहा है मुझे? मेरा नाम टकला है टकला, इस टकले ने इन पहाड़ों के सीने तोड़े हैं और दुश्मनों के रिश्ते मौत से जोड़े हैं। बता दे महाकाल कहाँ है वरना टकला फोड़ दूंगा। आसमान हो या पाताल हो, कोई भी इस टकले से टकराने की कोशिश नहीं कर सकता। जल्दी बता दे वरना तू बचेगा नहीं। भागता वक्त कहां से आ रहा है बुजदिल? कहीं तेरे पीछे शेर लग गया है क्या? पगले भैया, मैं शेर सिंह ने अपनी जान बचाते बचाते भागता वक्त तेरे पास आ गया हूँ, तो मैं जाता हूँ या शेर सिंह को मारूंगा या खुद मरूंगा, पर तेरी तरह कीचड़ बन के नहीं भागूंगा। गोली मत चलाना वरना पड़ेगा और तीर उठाना। कुत्ते, तेरा गुस्सा देखकर मुझे वो तिनका याद आता है जो तूफान से टकराकर चकना चूर हो जाता है। तूफान को तिनका समझने वाले रावण, देख मैं तेरी लंका कैसे जलाता हूँ। आ,
हीराबाई, हीराबाई, तुम्हारे बापू को शेर सिंह ने गोली मारी और वो मर गया। कितनी गोली लगी थी हमारे बापू को? एक। बस एक गोली? एक गोली लगी और तू समझा मेरा बापू मर गया? अरे मेरा बापू कोई कच्चा धागा है जो खींचने से टूट जाएगा। मेरा बापू लोहा है, लोहा जिसके दिल में सुराख करने के लिए बारूद को भी पसीना आ जाता है। मेरा बापू नहीं मर सकता। सरदार, सरदार, पगला डाकू शेर सिंह के डर से भाग गया। शेर सिंह, तूने मेरे शिकार को भगा दिया। बहुत बुरा किया रे, बहुत बुरा किया। मेरा शिकार निशाने पर था, मर जाने पर था, मगर तेरे डर ने उसे पर लगा दिए और वो हवाओं में उड़ता हुआ गुम हो गया। याद रखना शेर सिंह, एक दिन मैं तेरा शिकार भी छीन लूंगी। सरदार, शेर सिंह ने उसे गोली मारी है, वो मर भी सकता है। वो मर नहीं सकता, वो जिंदा रहेगा। वो मरेगा तो सिर्फ मुन्नी बाई की गोली से। मंगलू, मेरा भाई गोली से नहीं मर सकता, उसको मारने के लिए बम का गोला चाहिए, गोला। अरे ठाकुर साहब, बम के गोले को छोड़िए, इस गांव में बम की गोली आई है, गोली। अरे चोली उसकी तंग है, देखने वालों में जंग है। कौन है वो गोली? अरे ये देखिए। मरवाएगा क्या? ये तो मुन्नी बाई है। अरे नहीं ठाकुर साहब, ये मुन्नी बाई नहीं, उसकी हम शक्ल राम कटोरी है, राम कटोरी। क्या करती है ये? अरे मुजरा करती है। मैं मुझे सभी को सलाम करती हूँ, मैं सभी को सलाम।